हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन चैप्टर 7th इंडिया लोकेशन बॉर्डर एरिया एंड फिजियोग्राफी स्टैंडर्ड 7th एसएस। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7th का एसएस पढ़ेंगे जो चैप्टर 7th है, और यह वीडियो मेरा पार्ट 1 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में पार्ट 2 में बनाता हूँ और आपको लास्ट में फुल पार्ट वाला वीडियो भी मिल जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे अपना पहला स्टार्ट होता है, यू हैव लर्न्ड अबाउट द लोकेशन बॉर्डर्स और एरिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात इन क्लास 6। यानी आपने क्लास 6 में पढ़े ही होंगे जो गुजरात का लोकेशन क्या है, उसके बॉर्डर्स क्या है और एरिया और फिजियोग्राफिक्स उसका क्या है। नाउ वी विल लर्न अबाउट इंडिया, और यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, इंडिया के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्ल्ड मैप है, जो पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, जिसे पॉलिटिकल मैप भी कहा जाता है एशिया का, यहाँ पे दिखाया गया है। फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो अबाउट इंडिया, यानी इंडिया के बारे में जो कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी आपको भरना है। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिया लाइज बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी इंडिया किसके किसके बीच में आता है। तो लेटीट्यूड के में देखा जाए तो 8.4 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में आता है, और लॉन्गिट्यूड पे देखा जाए तो 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97.25 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, यानी यहाँ पे नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक दिया है। तो अपना पॉइंट दिया है, इंडिया इज़ इन द डेस ऑफ एशिया, यानी इंडिया किस एशिया में है। तो इंडिया किस एशिया में है, तो यहाँ पे ऊपर दिया है पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, इंडिया इज़ इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, और यहाँ पे बॉर्डर्स बताना है। डेस इज इन द ईस्ट, यानी डेस इज़ इन द वेस्ट, डेस इज़ इन द नॉर्थ, डेस इज़ इन द साउथ एंड डेस कंट्री इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट। यानी आपको यहाँ पे मैप में देख के बताना है कि कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है और कौन सा साउथ में है। तो ये आप कर लेंगे। अपना नेक्स्ट स्टार्ट होता है पॉलिटिकल, यानी यहाँ पे पॉलिटिकल का मैप दिया है, यहाँ पे इंडिया का मैप दिया है, इसमें जारी स्टेट्स दिखाया गया है, कैपिटल्स और पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया, इंडिया का यहाँ पे फिर पॉलिटिकल मैप दिया है, 7.2 है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, टॉपिक्स हमारा स्टार्ट होता है एरिया से, तब इंडिया के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3214 किलोमीटर, यानी इंडिया कितने में फैला हुआ है। तो कश्मीर, यानी नॉर्थ से देखा जाए तो, ऊपर से देखा जाए तो कश्मीर से लेके नीचे साउथ कन्याकुमारी तक, जिसका डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी जो ये कहाँ से हम लोग देखें तो नॉर्थ से साउथ तक देखें, और इट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द द्वारका इन द वेस्ट एंड कवर्स 2933 किलोमीटर्स। और यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट में कितना है, तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश से लगा है द्वारका जो गुजरात में है, वहाँ वेस्ट में जो है, जो इतना फैला हुआ है, जिसका डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ये डिस्टेंस कहाँ से बता रहे थे, ईस्ट से वेस्ट तक। यानी अपना इंडिया इतना बड़ा है, अगर नॉर्थ से देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है और ईस्ट वेस्ट से देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। ये क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, आप जरूर याद कर लें। द लैंड एरिया ऑफ द इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी अब पूरे इंडिया का लैंड कितना है लगभग, यानी पूरा इंडिया का एरिया कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी हमेशा एरिया स्क्वायर में ही आता है, तो इतना बड़ा है अपना इंडिया। हैंस इंडिया इज एसोसिएटेड इस कंसिडर्ड एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लैंड एरिया, और इंडिया को बताया जाता है, यानी इंडिया अपने वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है पूरे एरिया, यानी एरिया में देखा जाए, यानी इंडिया एरिया में देखा जाए, लैंड एरिया में, तो अपना इंडिया 7th नंबर पे आता है वर्ल्ड में। ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान दें। इंडिया ट्रेपर्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड द साउथ एंड इज रिलेटिवली बॉर्डर्स इन द सेंटर, देर इज ए 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टोरिस इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे जो इंडिया को जो टेपर्स बताया है, जो नॉर्थ से साउथ तक,
और उसके बीच में बॉर्डर्स भी दिया है एज देयर सेंटर, और उसका सेंटर्स भी दिया है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी अपना जो 29 स्टेट्स जो थे वो अब घट के 28 स्टेट हो गया है नाउ इस समय, और जो 7 यूनियन टेरिटोरीज थे वो अब 9 यूनियन टेरिटोरीज हो गए हैं जो अभी, और इंक्लूडिंग दिल्ली, दिल्ली तो है ही, अब जम्मू कश्मीर भी अपना यूनियन टेरिटरी हो गया, अब वो स्टेट नहीं है। तो अपना इंडिया में टोटल कितने स्टेट अब बचे हैं, तो 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने हो गए, तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। और न्यू दिल्ली अपना इंडिया का कैपिटल है, ये तो आपको पता ही है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है, द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, यानी हर, यानी जो लैंड है इंडिया का वो हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं खाई है तो कहीं पहाड़ है, कहीं ढलान है तो कहीं गड्ढे, यानी इस तरीके का इंडिया का फिजियोग्राफी है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फिजियोग्राफी डिवीजन, यानी लैंड के बेसिस पे इंडिया को 5 भागों में बांटा गया है। पहला दिया है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, यानी जो पहला नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है बड़ा है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इंडिया का जो प्लेन्स, इंडिया का नॉर्थ इंडिया जो प्लेन्स है, एंड सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और आर्किपेलागोस और इंडियंस डेजर्ट। तो फर्स्ट अपना स्टार्ट होता है नॉर्थर्न माउंटेन रेंज। अब नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो पढ़ेंगे, जो फिजियोग्राफी है जिसका 5 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से पहला अपना है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द हिमालय इज़ द चेन ऑफ 3 माउंटेन्स एंड इज़ कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालय जो है वो तीन माउंटेन के चेन से बना हुआ है जिसे कहा जाता है हिमालयन रेंज। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज पे आता है। देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, यानी जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है उसका 3 डिवीज़न यानी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला कहा जाता है, यानी जो हिमालय को 3 चेन माउंटेन रेंज में बने हैं, तो पहला चेन को क्या कहा जाता है, हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकंड वाले को हिमालयस कहा जाता है, एंड थर्ड वाले को ईस्टर्न हिमालयस और पूर्वांचल रेंज कहा जाता है। देयर आर 3 डिस्टिंक्स एंड पैरेलल्स रेंज, यानी वहाँ पे 3 डिस्टिंक्स और पैरेलल रेंज है, यानी पैरेलल यानी इक्वल डिस्टेंस में है। और नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड द चाइना इज नोन एज द ग्रेटर हिमालय, जो यानी जो चाइना के तरफ है, यानी अपने इंडिया की तरफ नहीं, जो चाइना की तरफ जो रेंज है उसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, यानी वो सबसे बड़ा रेंज है। द सेंट्रल हिमालय लाइज इन द सेंटर, और जो बीच में जो रेंज है सेंटर वाला वो सेंटर है, एंड द रेंज टुवर्ड्स इंडिया इज कॉल्ड द शिवालिक रेंज, और जो अपने इंडिया की तरफ जो हिमालय रेंज है उसको कहा जाता है शिवालिक।